हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए आप उसे देखें। यदि आप अपने चैनल से जो भी जानकारी मिलती है, यदि जानकारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 14 मार्च 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10 मार्च को यह दिवस मनाया गया है। विश्व किडनी दिवस हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस 10 मार्च को मनाया जा रहा है। विश्व किडनी दिवस एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य हमारे गुर्दे के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और विश्व किडनी दिवस का उद्देश्य हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए हमारे गुर्दे के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर में गुर्दे की बीमारी और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की आवृत्ति और प्रभाव को कम करना है। इस दिन को मनाने की शुरुआत इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन द्वारा की गई थी। विश्व किडनी दिवस पहली बार 2006 में मनाया गया था। और हमारे शरीर में दो किडनियाँ होती हैं और दोनों किडनियों के द्वारा रक्त को छानकर शुद्ध किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि ने 2022-23 में भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमानित 8.5% की तुलना में वित्त वर्ष 2023 के लिए अपने वास्तविक जीडीपी विकास अनुमान को 7.8% पर बरकरार रखा है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट प्रस्ताव में पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर और राजकोषीय समेकन पर धीमी गति से पर्स स्ट्रिंग्स को ढीला करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और जिसका उद्देश्य सही दिशा में है। एजेंसी की उम्मीद कि नॉमिनल ग्रोथ 12-13% होगी और जो 11.1% बजट अनुमान से अधिक है। और हेडलाइन मुद्रा स्फीति औसत 5.2% है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF बोर्ड ने यूक्रेन के लिए कितने बिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.5 बिलियन आपातकालीन सहायता की मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए वेग के वित्त पोषण और भुगतान संतुलन को बढ़ाने के लिए आपातकालीन सहायता में 1.4 बिलियन को मंजूरी दी है। और 24 फरवरी को रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद यूक्रेन ने अपनी अर्थव्यवस्था में समर्थन के लिए सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से वित्त पोषण की ओर रुख किया है। यूक्रेन की राजधानी है कीव और यहां पर मुद्रा चलती है यूक्रेनी रिविनिया और यहां पर राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की और प्रधानमंत्री हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर में आपातकालीन सहायता की मंजूरी दी है IMF ने। IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका मुख्यालय Washington DC अमेरिका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है इसने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलिन नोवाक। हंगरी की संसद ने प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के करीबी सहयोगी कैटलिन नोवाक को यूरोपीय संघ की
पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है और नोवाक जिन्होंने हाल ही में परिवार नीति मंत्री के रूप में कार्य किया है और अपने चुनाव को महिलाओं की जीत के रूप में चित्रित किया है। वह संसद में ज़्यादातर औपचारिक भूमिका के लिए 137 वोटों से 51 के लिए चुनी गई है, जो कि एक अर्थशास्त्री विपक्षी चुनौतीकर्ता पीटर रोना से आगे ओरबान की दक्षिणपंथी फाइट्स पार्टी के वर्चस्व वाले थे। हंगरी की मुद्रा है हंगरियन फोरिंट और यहाँ पर हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया था, कहाँ खोला गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में खोला गया है। भारत में पहले पूर्ण स्वामित्व वाली महिला औद्योगिक पार्क में ने हैदराबाद में अपने दरवाजे खोले पार्क, जिसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। राज्य सरकार के सहयोग से FLO में 25 इकाइयाँ शामिल है, जो हरित श्रेणी के 16 विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करती हैं और ये सभी पूरी तरह से महिलाओं के स्वामित्व और नियंत्रण में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और तेलंगाना भी नवनिर्वाचित राज्य हमारा लास्ट सबसे बना वाला राज्य है 2 जून 2014। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक लॉन्च की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र यादव जी ने यह पुस्तक लॉन्च की। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक लॉन्च की है और वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने पुस्तक प्रकाशित की है। पुस्तक का प्रकाशन आज़ादी का अमृत महोत्सव के आइकॉनिक वीक समारोह का हिस्सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में VDM डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? इसमें भारत 93 स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते आगे, डेमोक्रेसी रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण हाल ही में स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में VDM संस्थान द्वारा जारी किया गया था। इस अध्ययन का शीर्षक डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर था और लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स रिपोर्ट में उनके स्कोर के आधार पर देशों को 4 शासन प्रकारों में वर्गीकृत किया है। लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। और इसमें पहले स्थान पर है स्वीडन, दूसरे पर है डेनमार्क, तीसरे पर नॉर्वे, चौथे पर है कोस्टारिका और पांचवें स्थान पर है न्यूजीलैंड। और इस रिपोर्ट में LDI पर 179 देशों में से भारत 93 स्थान पर है और इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत दुनिया के शीर्ष 10 निरंकुश में से एक है और LDI में 93 स्थान पर भारत निचले 50% देशों में है। और यहाँ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स और नीचे गिरकर 100 पर आ गया है और डिलेबरेटिव कंपोनेंट इंडेक्स में 102 पर और भी कम हो गया है। दक्षिण एशिया के कुछ देश देख लेते हैं, तो भारत 93 स्थान पर है और श्रीलंका 88 यानी कि 88 स्थान पर, नेपाल 71 स्थान पर, भूटान 65 और पाकिस्तान 117 स्थान पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है हमारे उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया और यह ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में खोले जाने वाले 5
ड्रोन स्कूलों में से एक है। अन्य चार शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जिसे भोजताल भी कहा जाता है या झीलों की नगरी भी कहा जाता है। और यहाँ पर राज्यपाल हैं मंगू भाई सी पटेल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के सीईओ और एमडी कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रभा नरसिम्हन जी को बनाया गया। यही है प्रभा नरसिम्हन जी, जिनको कोलगेट पामोलिव का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। प्रभा नरसिम्हन को कोलगेट पामोलिव लिमिटेड के सीईओ एंड एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। वह राम राघवन का स्थान लेगी और जिन्हें कोलगेट पामोलिव कंपनी में प्रेसिडेंट एंटरप्राइजेस ओरल केयर के रूप में पदोन्नति किया गया। और इससे पहले वह हिंदुस्तान यूनिलीवर के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य करती थी और कोलगेट पामोलिव इंडिया कोलगेट ब्रांड के तहत ओरल केयर उत्पाद प्रदान करता है। यह पामोलिव ब्रांड नाम के तहत पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री च श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना प्रारंभ की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा में यह योजना प्रारंभ की। त्रिपुरा सरकार ने च श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री च श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की। इस विशेष योजना के कार्यान्वयन के लिए 85 करोड़ रुपये त्रिपुरा के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा जाल के तहत लाने दिशा में एक कदम के रूप में आवंटित किए गए हैं। और यह विशेष योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चाय बागान श्रमिकों को उनके हकदार की सुविधाओं को एकीकृत करके उनके आवास, राशन और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और सत्यनारायण आर्य यहाँ पर राज्यपाल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड क्लिनिकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।